ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी दीवाना, किसे बनाएगी ये नंदनी। अरे 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 पगली, अपने भाई से पूछना जो लेकर आया है उसे। और तू सच बता, तेरे मन में कोई खतरे की घंटी नहीं बजती? खतरे की घंटी कैसी रे, नसीब से हमारे घर में मेहमान आया है। तो फिर सीता सोच कि अगर वो किसी को मार कर आई हो तो हम सब पकड़े जाएंगे, रतन भैया का क्या होगा, मेरी शादी कहाँ होगी? माला ना टंकी साली, ऐसा लगता है तेरे दिमाग में ना बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है जिसमें तू एक छम्मक छल्लो है और बाकी सारे विलन। भाई हमारे रतन भैया का कहा, इतने भोले इतने मासूम है के माला, बार मेहमान अकेली बैठी तू यहाँ बातें कर रही है, जाओ उसे थोड़ा वक्त। जा रही हूँ ना भैया। सीता तू भी आ जा। आ रही हूँ आ रही हूँ। ये जो आई है उसका नाम नंदनी है। ये तो मुझे भी मालूम है, आगे बोल। इसका थोड़ा मसला है, ये कुछ दिन हमारे घर रहेगी, तुझे बुरा तो नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा रतनलाल, तू कोई बच्चा थोड़ी है, जो कर रहा है जानता होगा। सीता तू मुझे बहुत अच्छी, क्योंकि तू है ही अच्छी। और जब ये छुरी तेरे अंदर जाएगी ना, बड़ी अच्छी। चल भाग। दोनों बहन भाई नॉट कर। रे छोरी, मैं तो शुरू से जानती थी कि तू साई की चमची है, और ये भी पता था मुझे कि धोखा दे रही है तू। क्या करती, पैसे देता था सिर्फ तेरी खबर रखने के, और अब तो तेरी फैक्ट्री में मुंशी भी लगा दिया। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे चल रही, इस शर्म उनको आवे है जो गैरतमंद होते हैं, तू जैसों को नहीं। और अब फोन रख, भूल जा मुझे। चल मैं तो तुझे भूल गई, लेकिन साई तुझे भूलने को तैयार नहीं, ढूंढ लेगा तुझे, जरा बच के रहना। अरे चल चल, वो तो मेरी गर्द को नहीं पहुंच सकता। नंदनी सब ठीक है ना? हाँ अब तो सब ठीक है। अच्छा मैं आज तुम्हारे लिए मकान ढूंढने जा रहा हूँ, दो कमरे काफी होंगे ना? अरे मैं तो घर बनाना चाह रही हूँ, मकान का क्या करूँ? अच्छा कमाल है, मैं तो सबसे मकान का पूछ रहा हूँ। चलेंगे दो कमरे के, तू ढूंढ ले। लगता है तुम्हारा यहाँ से जाने का मूड नहीं है, मन लग गया ना? परवाह नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए आसपास ही कोई घर ढूंढूंगा ताकि तुम हमारे करीब रह सको। जी मुझे अपने मन में तो साले सजन, और जो उससे भी करीब रखना हो तो मेरे मन में बस जा, मेरे मन में तेरी संग जियूं तुझ तेरी।